नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। भवानीगढ़ कालाझाट टोल प्लाजा पर बाबा फरीद डिग्री कॉलेज की एम्बुलेंस का हुआ जबरदस्त एक्सीडेंट, एक की मौत, एक गंभीर घायल। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने रविदास नगर में हुई फायरिंग के मामले को सुलझाया, दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। जंडियाला गुरु पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी कुछ घंटों में सुलझाई, तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। भवानीगढ़ कालाझाड़ टोल प्लाजा पर एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। इस दौरान बाबा फरीद डिग्री कॉलेज की एम्बुलेंस टोल प्लाजा से जा टकराई, जिस कारण एम्बुलेंस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें सवार दो व्यक्तियों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस घटना के बाद टोल प्लाजा के कर्मचारी भड़क गए, तो वहीं मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने भी लाश को उठाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि इसे उठाना उनकी पॉलिसी में नहीं आता, तो वही मेंटेनेंस कंपनी वाले मैनेजर पर भड़क उठे। टोल प्लाजा के मैनेजर का कहना था कि इतनी देर से एम्बुलेंस को क्यों भेजा गया, जिसके बाद दो घंटे बाद में मेंटेनेंस कंपनी की एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर लाश को उठाया। तो वहीं टोल प्लाजा के मैनेजर ने अपनी निजी गाड़ी में जख्मी व्यक्ति को पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। एक्सीडेंट लगभग आधा घंटा एक घंटा पहले हुआ है, जिसके अंदर ठीक है कि ब्रेक डाउन होने की वजह से जो भी रीजन से था जी, समय से नहीं पहुंच पाए। आप मेंटेनेंस कंपनी से हो, मुझे मत बोलो कुछ, मैंने आपको कितना बार कॉल किया है, आप मेंटेनेंस कंपनी जो आप पर सकता और पे कॉल कट कर दे, पता है मेंटेनेंस की कौन सी सुविधा होती है लोगों को देने के लिए? सब पता है, मेरा क्रेन एम्बुलेंस सब अवेलेबल है। आपने बताया कि डेढ़ घंटा एम्बुलेंस लेट आई है आपकी मेंटेनेंस कंपनी की, पहले भी नहीं आया, यहाँ मौजूद होती है आपकी जो एम्बुलेंस होती है, क्या बोलोगे आप? गड्डी छाट गई मुड़े, क्या बोलोगे आप? मैं सर यहाँ पे अपना गाड़ी दे करके मैंने वो बंदे की जान बचा दिया सर, ठीक है सर। एक्सीडेंट कितना भयानक हुआ था, बहुत सर, लगभग एक घंटा से ज्यादा हो गया सर, डेढ़ घंटा हो गया सर। एम्बुलेंस भी नहीं आई, एम्बुलेंस तो आई नहीं सर, एम्बुलेंस वाले को मैंने दो बार कॉल कर चुका सर, लेकिन उसने कोई मुझे रिप्लाई दिया नहीं सर। सर ये मेंटेनेंस वालों की जी ये मेंटेनेंस वाले के अंदर होता है सर, उसमें तो अपना भी नाम खराब हो रहा है सर, टोल का मैनेजर का भी नाम खराब हो रहा है। अभी तो आप बोलेंगे कि टोल टैक्स मना कालाजर टोल पे हुआ ऐसा, लेकिन किसके कारण हुआ वो तो हम नहीं बता सकते सर। अब तो देख रहे यहाँ का जो कंडीशन है, जो सब कुछ आपके से कुछ छुपा हुआ नहीं है सर, अब देख लीजिए सर। पहला पिछे भी किसी गड्डी नो टच करके आई है, तो लगभग 100+ स्पीड होनी जी, उन्हें एकदम फुटरेस्ट से चढ़ने वाले जाके पिलर के टकरा गई, तो जरा कनैक्टर साइड बंदा बैठा थी ऑन द स्पॉट डैथ हो चुकी है। जोड़ा ड्राइवर से उन्होंने असी कैसे दूसरी गड्डी चो टाई राड वगैरह लैके टाकी तोड़ के टम शीशे वगैरह भन के वो बाहर क्ढ्या, उन्होंने तो सू जो कंडीशन थी सही लगी, तो उन्होंने असी टोल की परसनल गड्डी के लैके गए राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला एडमिट किया। जो टोल का स्टाफ से उन्हें तो मैनेजर साहब ने अपनी परसनल गड्डी दिती है उन्होंने लैके जाने लगी। एम्बूलेंस होंगी टोल से वो मौजूद नहीं सी जी भाई, वो जी मेंटेनेंस कंपनी वालों एम्बूलेंस प्रोवाइड की जाती है, वो उस टाइम उ है नहीं सी, तो लैके भी गए हुए कहते रोड से कितने खराब हो गई, वो पता नहीं सानू किमें किमें ना, बट वो हालत बहुत खस्ता, तो जी आम जनता वो हरासमेंट होंगी उरे आके टोल मुलाजमान से गुस्से होंगी, जबकि ये रिस्पोंसिबिलिटी है जी मेंटेनेंस कंपनी की होंगी। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने गत दिनों जालंधर के मोहल्ला रविदास नगर में हुई फायरिंग के मामले को हल करते हुए दो आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान गोरा गरेवाल निवासी सूरत नगर जिंदा रोड मकसूदा और गौरव कपिला निवासी मोहल्ला कोट किशनचंद जालंधर के तौर पर हुई है, जिन्हें पुलिस ने लुधियाना की बस्ती जोधेवाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से दो पिस्तौल, 32 बोर, 5 जिंदा रोंद और वारदात में इस्तेमाल किया गया एक मोटरसाइकिल और एक्टिवा भी बरामद की है। फिलहाल आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके और उनके बाकी साथियों को गिरफ्तार किया जा सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मुकदमा नंबर 17/7/2023 307 एक्ट आर्म्स एक्ट का प्रचार दर्ज हो, डिवीजन नंबर 1।
जिसे कुछ नौजवान आके उन्होंने फायर किया दो जने जो इंजर्ड हुए थे। ये साड़ी टीम इंचार्ज सी आई ए इंद्रजीत सिंह, ACP इन्वेस्टिगेशन, ADCP कमलप्रीत, इन्हों की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। इन्होंने जो दो मुंडिया ने जो गिरफ़्तार किया, जोड़े दोनों मेन जोड़े उस मुकदमे के दोषी से, तो उन्होंने को जोड़ा दो पिस्टल जोड़े रिकवर किए हैं बत्तीपुर के, तो पांच जोड़े हैं कार्टरेज रिकवर किए हैं, तो वारदात वरता हुआ मोटरसाइकिल जोड़ा वो बरामद किया। चंडियाला गुरु पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी को कुछ घंटों में सुलझाने का दावा किया है। गौरतलब रहे कि गत दिवस चंडियाला गुरु के नजदीकी गांव चीमाबाट में सड़क किनारे एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली थी और मौके पर से पुलिस ने उसका मोटरसाइकिल भी बरामद किया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP हरकृष्ण सिंह ने बताया कि मृतक के गले में रस्सी के निशान थे और प्राथमिक नजर में ये मामला कत्ल से जुड़ा नजर आ रहा था, जिसके बाद थाना ब्यास प्रभारी इंस्पेक्टर यादविंदर सिंह द्वारा स्पेशल पुलिस पार्टी तैयार कर जांच शुरू की गई। इस दौरान पुलिस ने कुछ घंटों में ही तीन आरोपियों को काबू कर उनके पास से कत्ल में इस्तेमाल की गई रस्सी भी बरामद कर ली। उन्होंने बताया कि इस संबंध में चार लोगों के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किया गया था, जिनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि एक आरोपी फरार है। प्राथमिक जांच में कत्ल का कारण किसी महिला से कथित संबंध होना सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। बचन सिंह सी उदा गल कुट के जिहड़ा कत्ल कीता सी, ये जिहड़ा ब्लाइंड मर्डर सी, असल विच ये जिहड़ा बचन सिंह है ना, ये जिहड़े अपने एक मनप्रीत सिंह महंत, एक किन्नर है जी शेरों, अपना किन्नर है महंत शेरों सिंह, एक वंश है ते एक जर्मन सिंह है, ये बस ये चीमाबाट दा ही आ। जिहड़ा ये मरन वाला आ बचन सिंह, ये जिहड़े मारन वाले ने उन्हां दे घर ही रहिंदे सी, ते इन्हां दा किसी गल्लों तकरार हो गया, जो तकरार दे चलदिआं इन्हां चौहान व्यक्तियों ने इसका गला कुट के इनू मार दिता, अते फिर अपना जुर्म छुपाउण लई इन्हां ने उन्हू एक रोड के किनारे उहदी डेड बॉडी सुट्टी है, ते नाल कोल उहदे मोटरसाइकिल खड़ा करता ता जो दोषां नू छुपाया जा सके। परंतु SHO यादविंदर अते उसकी टीम ने बहुत मेहनत दे नाल इस ब्लाइंड मर्डर नू ट्रेस किया, ते असीं इहदे विचों जिहड़े तीन दोषी मनप्रीत सिंह, एक जिहड़ा किन्नर है उहदे विच वंश, एक वंश गिरफ्तार कर लिया तीन, एक जर्मन सिंह है वो साड़ी गिरफ्त तो बाहर, असीं उन्हें जल्दी फड़ लवांगे। मालवा का अहम जिला संगरूर इंसानियत के गिरते मियार के चलते सुर्खियों में आ गया है, जिसके चलते संगरूर के फर्नीचर शोरूम के मालिक द्वारा शोरूम में सफाई का काम करने वाली गांव मंगवाल की एक महिला के साथ बलात्कार किया गया। पीड़िता एक बच्चे की माँ है और संगरूर सिविल अस्पताल में उपचाराधीन है, तो वहीं पीड़िता और उसका पति इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने शोरूम के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस दौरान पीड़िता के हक में दलित समाज के लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है और दोषी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मैं फर्नीचर की दुकान पर लगी सी, सारे हफ्ता को होया सीगा, हफ्ते दे विच पहले मैं दो छुट्टियां कर लियां सीगियां, पहले ही पंगे लैंदा रहा सीगा, फिर उस बाद च फिर इन्हें वो किया, फिर अज तो जमी हद पार करती सी इन्हें, उन्होंने धक्का बहुत किया ही मेरे नाल, रेप कर मेरा उन्हें, कला माल के सी, पहला चाह पिलाई सी उन्हें मैनू, चाह तो बाद मैनू कहिंदा भी उपर काम करना गया, मैं चली गई जी, मेरे माँ घरे आ गया, फिर मैंने तो पता ही नहीं चले, घंटे बाद 15-20 मिनट बाद फिर मैंने पता चले कि मेरे ना की चांस होया ही। मैं मेरे घर वाली ने जी उरे कोला पार्क हुई है जी, गुप्ता ही उन्होंने दुकान ते लाए हुए सीगे, तो इन्होंने मैनू फोन किया भी कहिंदे साडे नाल आ गल होगी, अस तो यही मंग करते हैं कि मुंडे नू सख्त तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जी, किसी होर नाल ना कर सक। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਬਬਲੀ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮੰਗਵਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਹਾਨ ਫਰਨੀਚਰਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ
साफ सफाई का, तो उत्थे जड़ा हैगा उहदे नाल एक रेप की घटना वापरी है जिहदा कि बयान असी रिकॉर्ड कर लिया है, तो उहदे अकॉर्डिंग जिहड़ी बनदी कार्रवाई असी अमल च लिया है। कि हुण तक गिरफ्तारी भी नहीं जी, गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाऊगी, दोषी का नाम सामने आ चुका है। सेना का दक्षिण पश्चिमी कमान अलकरण समारोह बठिंडा मिलिट्री स्टेशन के संगत सिंह सभागार में पारंपरिक उत्साह और सैन्य भव्यता के साथ आयोजित किया गया। कुल 17 सेना पदक, 1 सेना पदक और 1 विशिष्ट सेवा पदक लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर सेना कमांडर दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा प्रदान किए गए। अलंकरण समारोह वर्ष में एक बार उन कर्मियों को विभिन्न पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है जिन्होंने व्यक्तिगत वीरता और कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण के कार्यों से खुद को प्रतिष्ठित किया है। इस दौरान सेना कमांडर ने सभी पुरस्कार विजेताओं को उनकी वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए बधाई दी। उन्होंने सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देने का आग्रह किया। फोर्सेस इंजीनियर ब्रिगेड से मैं कार्यरत हूँ। 2019 से 2022 तक मैं 44 राष्ट्रीय राइफल्स जो कि शोपिया पुलवामा में डिप्लॉयड है वहाँ पर डिप्लॉयड था। मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा कि मैं अराउंड 20-22 ऑपरेशंस में मैं एक पार्ट रहा अपनी रेजिमेंट का, जिसमें कि हम लोग अराउंड 56 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर पाए एंड हम लोग वैली में शांति रख पाए। इस माध्यम से मैं सबसे पहले अपने शहीद ऑफिसर्स JCO जिन जवानों को याद करना चाहता हूँ एंड मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी फैमिली को स्ट्रेंथ दें। एंड ये जो अवार्ड मुझे मिला है ये सिर्फ मेरा ही अवार्ड नहीं है, रादर ये मेरी पूरी कॉम्बैट एक्शन टीम जो हमारी रेजिमेंट की दिन रात ऑपरेशन करती रही उनके लिए। जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम लांसनायक विकास खत्री है, मैं 16 मैकनाइज इन्फेंट्री का एक पार्ट हूँ और वर्ष 2019 से लेकर 2023 तक 2022 अप्रैल तक मैं पुलवामा 50RR में पोस्टेड था जो कि शेर शाली में है। मेरी पोस्टिंग के दौरान मुझे काफ़ी ऑपरेशंस का पार्ट रहने का मौका मिला, लगभग 20 ऑपरेशंस में मैं पार्ट था जिसमें हमने काफ़ी इनकाउंटर्स किए और काफ़ी मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया। और मैं हमारे बेटे पे गर्व है कि उसने 2 साथी का जान भी बचाई और हमको इतना ही कहेंगे। और नाम क्या था? हमारा नाम कृष्णा राम है। आपके बेटे का नाम? बेटा का नाम लक्ष्मण था। और बहुत गर्व है हमारे बेटे पर देश की सेवा के लिए, वो उसने अपनी जान भी गंवा दी है। पंजाब में आवारा पशुओं ने आतंक मचा रखा है जिस कारण कई सड़क हादसे हो रहे हैं और कई लोगों की कीमती जानें भी जा रही हैं। तो वहीं बठिंडा के संजय गांधी नगर में बने सरकारी स्कूल के अंदर से निकले आवारा सांड आपस में भिड़ गए जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति इनकी चपेट में नहीं आया। लहरा कागा के मूनक के वार्ड नंबर 10 के एक नौजवान किसान अमन कुमार का आर्थिक तंगी के चलते मानसिक तौर पर परेशान होने के कारण आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के पिता तरसेम चंद ने बताया कि उनका बेटा अमन कुमार पिछले कुछ समय से कर्जे का बोझ ज़्यादा होने के कारण मानसिक तौर पर परेशान रहता था। पिछले सीजन में उसकी धान की फसल मर गई थी और इस बार गेहूं की फसल का झाड़ बहुत कम निकलने के कारण वह और भी आर्थिक तौर पर टूट चुका था, जिससे परेशान होकर फंदा लगाकर उसने गत रात्रि आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि उनके परिवार पर 13 लाख रुपये बैंक का कर्जा और 8 लाख रुपये आर्थिक कर्जा चढ़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने पंजाब सरकार से मांग की है कि उनका कर्जा माफ किया जाए और आर्थिक तौर पर उनकी मदद की जाए। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। अमर कुमार था जी। सुसाइड कर ले, क्यों कर ले? खेतीबाड़ी कर रहा था जी, फसल मर गई 2 बारी, मिस्त्री बारी फसल कण कण किचर नहीं था, जीरी में कुछ बचा नहीं, गरदौरी अंगर दूरियां रखे ले गए थे पटवारी मुड़का कोई मन पंच पंच। कितने समय तू परेशान रह रहे सी? जी इसने 2-3 साल हो गए परेशान रहते हैं। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਾਰਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੇ? 13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਕਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੱਟ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਖੇਤੀ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਰੀ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਹੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਵਾਧੂ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੋਂ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਵੇ ਉਨਕੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਨੇ ਵਾਲੋਂ ਪਰ ਜਬ ਮਰਜ਼ੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਉਹਨੇ ਘਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ऐसा ही एक मामला जीरा क्षेत्र के गांव मल्लावाला से सामने आया है, जहां नशे का कारोबार करने वाले कुछ लोगों द्वारा एक नौजवान के साथ बुरी तरह से मारपीट कर उसे घायल कर दिया गया, जिसे उपचार हेतु सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उक्त नौजवान का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने नशा करने वाले नौजवानों की वीडियो बनाकर वायरल की थी और इन नौजवानों को नशा करने से रोका था। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। हाँ जी, रमेश कुमार पुत्र धन्ना सिंह टेंकी वाली बस्ती मल्लावाला जिले दाखिल होया। ये जो बयान आ वो एच सी परमजीत सिंह लिख के आ गया। उस बयान दे विच इन्होंने राजा दीपू ते राणा तिन्हां दे खिलाफ बयान लिखाया कि साडी गली विच गेड़े मारदे सी तो मैं रोकदा सी इहदी कुटमार कीती है। ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਏ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। एपी चे स्कूल टांडा रोड जालंधर में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्री नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा तक के छात्रों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। इस मौके पर स्टॉप एंड प्ले जोन स्कूल की प्रिंसिपल मनिंदरजीत कौर और चेयरपर्सन सतेंद्र कौर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हाउस के चारों कप्तानों प्रीफेक्ट्स और स्टूडेंट्स काउंसिल द्वारा मार्च पास्ट किया गया। इस दौरान छात्रों ने मार्शल आर्ट, योग, लीजियम, पीटी व्यायाम आदि विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन किया। तो वहीं प्री प्राइमरी विंग के नन्हे मुन्ने छात्रों के लिए बाल्टी में बॉल, कंगारू जंप, होम्पिंग रेस, जिगजग रेस, हंडल रेस जैसी विभिन्न गेम्स रखी गई, जिसमें छात्रों ने खूब जोश एवं उत्साह दिखाया। पहली से आठवीं कक्षा के छात्रों द्वारा लेग रेस, सेक रेस, रिले रेस, शॉटपुट, ड्रिबल बॉल आदि गेम्स करवाई गई। इस दौरान स्कूल की समन्वयक दीप्ति कौशल तथा मुख्य अतिथि ने विभिन्न खेलों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पदक देकर सम्मानित किया। अंत में स्कूल की समन्वयक दीप्ति कौशल ने विशेष अतिथियों का धन्यवाद किया और छात्रों के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। Hello, I'm Manindrajit Kaur from Stop and Play Zone. Today we here to celebrate Sports Day at APJ School. APJ School is a platform to celebrate these events like Sports Day and Talent Hunts. So basically, students also enjoy their events. Today at APJ School, Tanda Road, Jalandhar, we have organized Annual Sports Day, wherein we have called Madam Maninder Kaur as the chief guest, as a special guest. She is the chairperson of the school. Today we have organized this event to inculcate the physical health activities in the students. Various sports activities have been organized, wherein various races for the students have been planned. Few of them are like hurdle race, hop race, sack race and flat race. And I congratulate all the students for their efforts, and I thank my chief guest of the day and the parents who have taken an initiative in preparing the students for the day. Thank you.
मिशल शहीदा तरना दल के 15वें मुखी सिंह साहिब जथेदार बाबा गज्जन सिंह की रहनुमाई में चल रही संस्था श्री गुरु हरगोबिंद पब्लिक स्कूल मलियां चंडियाला गुरु में नए सेशन की शुरुआत और परीक्षाओं में बच्चों की ओर से अच्छी पोजीशन लेने के संबंध में श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए, जिसमें जथेदार बाबा गज्जन सिंह और कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की धर्मपत्नी सोहेंद्र कौर ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर कथावाचक भाई बलबीर सिंह ने कथा कर उपस्थित संगत को निहाल किया, तो वहीं स्कूल के विद्यार्थियों ने कीर्तन कर संगत को गुरु चरणों से जोड़ा और गतका के जोहर दिखाए। इस मौके पर प्रिंसिपल पलविंदर सिंह, रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रभदयाल सिंह कहलो, जॉइंट सचिव नरेश पाठक, शहरी प्रधान सरबजीत सिंह डिम्पी, सुनैना रंधावा, गुलशन जैन, प्रिंस जैन, प्रेस वेलफेयर क्लब के प्रधान परमिंदर सिंह जोसन, राम प्रसाद शर्मा, सुरेंद्र पाल सिंह, जसपाल शर्मा, अश्विनी शर्मा, लाडी मल्ली, राम शरणजीत सिंह, सोनू मिगलानी, दयाल अरोड़ा सहित स्कूल का स्टाफ भी मौजूद रहा। इस मौके पर जत्थेदार बाबा गज्जन सिंह की ओर से मुख्य मेहमान सोहिंदर कौर को सम्मानित भी किया गया। अंत में गुरु का अटूट लंगर भी वितरित किया गया। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। अज श्री गुरु हरगोबिंद पब्लिक स्कूल मलियां विखे श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पाए गए हैं। गुरु साहब के आशीर्वाद दिता गया कि जोड़े हम फाइनल एग्जाम बच्चों के आ रहे हैं, स्कूल के सारे विद्यार्थी वेद सफलता हासिल करन, स्कूल दिन दुगनी तो रात चौगनी तरक्की करे, स्कूल के दाखिले वाधा हो। तो गुरु साहब ने बड़ी कृपा की, अज अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए। स्कूल के मुखी सरपरस्त जथेदार सिंह साहब बाबा गज्जन सिंह जी, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, साढ़े बहुत ही मानयोग कैबिनेट मंत्री सरदार हरभजन सिंह ई टी ओ साहब जी के वाइफ मैडम सुहिंदर कौर जी, उन्होंने आके सारिया ने बच्चों आशीर्वाद दिता। सब ने परमात्मा की ही अरदास की कि बच्चे सफलता हासिल करन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी और बहबल कलां गोलीकांड इंसाफ मोर्चा की ओर से लगातार बरगाड़ी में बठिंडा अमृतसर नेशनल हाईवे जाम कर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है और इंसाफ की मांग की जा रही है। गत दिनों सिख जत्थेबंदियों की ओर से बठिंडा अमृतसर नेशनल हाईवे जीरा टोल प्लाजा को बंद कर रोष प्रदर्शन किया गया, जिसकी सूचना टोल प्लाजा कर्मचारियों की ओर से पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारियों को टोल प्लाजा पर तैनात कर दिया और ट्रैफिक का रूट बदल दिया, पर इस कारण टोल प्लाजा को भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ रहा है। टोल प्लाजा के मैनेजर ने कहा कि इस वजह से वे अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने इसका जल्द से जल्द हल निकालने की मांग की है। वहीं डीएसपी रशपाल सिंह ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर उनकी तरफ से कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। देखिए, मेरा नाम तमाल चंद्र चौधरी है, मैं इस टोल प्लाजा का मैनेजर हूँ। 5 तारीख से पुलिस ने धरना के कारण यहाँ का ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है गुनियाना से, जिसके चलते हमारा ट्रैफिक यहाँ तकरीबन 90% हमारा लॉस हो रहा है। प्रशासन का तरफ से कोई संदेश नहीं है हमको कि कब तक जारी रहेगा। कारण बताया, किस कारण रूट बंद किया? हाँ, यहाँ से जो 20 किलोमीटर दूरी पर कोई धरना लग रहा है, उस धरना के कारण वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस ने इस ट्रैफिक को यहाँ से डाइवर्ट किया है, सस्पेंड किया है, जिसके चलते हमारे टोल में किसी भी प्रकार का गाड़ी नहीं आ रही है, जिसके चलते हमारा 90% लॉस हो रहा है। बिल्कुल जी, जिहड़ा बरगाड़ी मोर्चा लग्या उहदे नाल रोड जिहड़ा क्लोज होण पर 54 नैशनल हाईवे जिहड़ा हैगा जाम होया, तो उत्थों जिहड़ी ट्रैफिक लंघन वाली आ उहनूं डिवर्ट करन लई प्रशासन ने गोनियाणा तो पिछों भगते कोल तो जिहड़ा रोड जैतों नूं जांदा उत्थों मोड़िया सारी ट्रैफिक, जिहदे नाल टोल प्लाजे ते आवाजाई बिल्कुल ठप्प हो गई आ। तो जिहड़े टोल प्लाजे ते काम करन वाले 105 मुलाजम हैगे ने, उन्हां दीआं तनखाह प्रति भी हुण जिहड़ी जदों टोल प्लाजा बंद आ ते कलैक्शन कुछ है नहीं तां कंपनी बंद करन ते विचार कर रही आ, क्योंकि पहला किसान एजिटेशन चलिया, कोविड चलिया, उस टाइम पर भी जिहड़ियां कर्मचारियों ने तनखाह दीआं बड़े वड्डे पद्धर ते जिहड़ियां हैगियां कटौतियां होईआं तीआं। नहीं, कुछ इंसाफ मोर्चे दे कुछ कारकुन सीगे
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ 3 ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਅਗਵਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਗਈ, ਜਿਸਮੇ ਅਪਹਰਣਕਰਤਾ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3 ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਹਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ ਉਪਚਾਰ ਹੇਤੂ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸਹਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਕੇ ਕਾਰਯਕਰਤਾਓਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਥੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੇ ਬਿਠਾ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਨਕੇ ਪਾਸ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਮੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਨਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਚੋਟ ਲਗੀ ਹੈ, ਜਿਨਕਾ ਇਲਾਜ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਸ਼ਿਤ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਸਹਾਰਾ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਰਕਰ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਹਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 98 140 74 074 'ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਹਾਰਾ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ 2 ਜਣੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 3 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਗਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸਰ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਜਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਾ ਪਾਈ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਗਿਆ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਛੇਨ ਕਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਆੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਮੋਲੇ ਸਾਹੀ ਗਾੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਆਪਣੇ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਐਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗ ਡੁੱਬ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜੇ ਨੇ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਮੋਹਕਮਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਹਕਮਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਮੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਔਰ ਉਸਕੀ ਪੋਤੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਥੀ। ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸਵਭਾਵ ਕੇ ਚਲਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਲੋਗੋ ਕੇ ਪ੍ਰਿਯ ਬਨੇ ਹੋਏ ਥੇ, ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਕਾ ਵਿਵਾਹ ਸਭੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਓਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕਰ ਕੀਆ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਓਂ ਨੇ ਹੀ ਲੜਕੀ ਕੇ ਲੀਏ ਲੜਕਾ ਢੂੰਡਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਭੀ ਵਿਵਾਹ ਕਾਰਯ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇ ਕਰਵਾਈ। ਸਬਸੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਮੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਕੀ ਬਾਰਾਤ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਮੇ ਆਈ ਔਰ ਵਿਵਾਹ ਕੀ ਸਭੀ ਰਸਮੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਮੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਲੜਕੀ ਕੀ ਦਾਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਵਹ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਓਂ ਕੀ ਮਦਦ ਸੇ ਉਸਕੀ ਪੋਤੀ ਕਾ ਵਿਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਵਹ ਸਭੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਓਂ ਕਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਕਾਫੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਪੋਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਮੋਹਕਮਪੁਰੇ ਮੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਗਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਮੋਹਕਮਪੁਰਾ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਪੋਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਨਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲ ਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਮੇ ਜੋ ਯੁਵਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਤੇ ਥੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਥੇ ਉਨਕਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਨਕੋ ਇਲਾਜ ਕੇ ਲੀਏ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰੋਂ ਮੇ ਭੇਜਾ ਗਿਆ, ਜਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਯੁਵਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੁਵਕੋ ਕੇ ਅਭਿਭਾਵਕੋ ਨੇ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਪੁਲਿਸ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਅਕਤ ਕੀਆ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੋੜਨੇ ਵਾਲੇ ਯੁਵਕ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕੋ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈਂ।
इस संबंधी SSP पठानकोट का कहना है कि जब नशे के 22 बड़े तस्करों को पकड़ा गया तो यह पता लगाया गया कि उनसे नशा पठानकोट में कौन खरीदता था और ऐसे कितने युवक हैं जो नशे के आदि हो चुके हैं। इसी कड़ी के तहत उन युवकों का पता लगाया गया जो नशा लेने के आदि थे। उन सभी को ढूंढकर उनकी काउंसलिंग की गई और नशा छुड़ाऊ केंद्रों में उनका इलाज करवाया गया ताकि वे अपनी जिंदगी बेहतर जी सकें। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। 4-5 साल तो करते पे ये चिट्टे था जी, टीके टूके लाते रहे हैं जी। अपने पंजाब पुलिस जी है जी, SHO साहब जी उन्होंने इंफॉर्मेशन की, उन्होंने आके मदद की, ST सेंटर सू दाखिल करा के बहुत वधिया तरीके ट्रीटमेंट चल रहा है। अं दवाई खा रहे हैं। 4-5 महीने तो जो नशा है वो बिल्कुल बंद है। भंग पीली दी ते पंजाब उस नाडा कनैक्ट होया किदा कॉन्टैक्ट के मतलब के ने सूद दी साडे घर वालिया ने कि दुखी हो रहे हो गए साडे तो कि समान दिने इदा दा तो उन्होंने पंजाब उस नु कनैक्ट किया ते पंजाब उस ने सानू नव चेतन हॉस्पिटल दवाई चलन जिहड़ी 3 महीने हो गए दवाई चले करदी। सर मेरा ब्रदर है छोटा ते नशे दे कारण डेली मतलब घर च डिस्प्यूट लड़ाई झगड़ा करदा रहिंदा सी ते लास्ट 2 मंथ SHO साहब अपने डिवीजन नंबर 2 दे साडी वार्ड च इन्होंने विजिट किया ते इन्हां नशे बारे कहा सी अगर कोई करदा ते साडे नाल कॉन्टैक्ट करो। फिर आपां इन्हां नाल टाई अप किया सी ते इन्हां ने सानूं नव चेतन होस्पिटल GD सेंटर इन्हूं भेजा छोटे ब्रदर नूं ते इन्हूं हो गए 2-3 महीने हो गए दवाई खाँदे ते हुण इह बिल्कुल जिहड़ा नशा मुक्त हैगा ते मैं ते मेरा परिवार पूरा खुशहाल आ। बच्चे यंग एज दे बच्चे छोटे छोटे उमरां दे बच्चे जिहड़े इन्हां नूं अडिक्ट हो चुके सी असी उन्हां तक पहुँच कीती लिस्टां बनियां वी कित्थे कित्थे सी उन्हां को रिकवरीज तां नहीं होईयां बट उन्होंने साडे सामने कबूल कीता वी असी अडिक्शन हो गई है सानूं असी इस बीमारी का शिकार हो गए। एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी असी उन्हां दे नाल जिहड़ा हैगा काउंसलिंग कीती उन्हां दे पेरेंट्स नूं बुलाया गया उन्हां दे पेरेंट्स नाल काउंसलिंग कीती और असी उन्हां नूं प्रिपेयर किया। सब तो औखा काम इस गल दा सी इहदे विच साडे अफसर ने बहुत अच्छा काम किया है बई जदों तुसीं किसे नूं नशे वाले नूं कहो भी तू नशा करदा आ वो कबूल करदा वो सामने नहीं आना चाहुंदा उन्हूं एक सोशल स्टिगमा हुंदा भी उन्हूं लगदा भी मैं बदनाम हो जाऊँगा। असी उन्हूं पूरी प्राइवेसी दित्ती डॉक्टर्स ना अड गल कीती डॉक्टर्स नूं प्रिपेयर किया भी इन्हां दी प्राइवेसी रहनी चाहीदी है बट असी इन्हां दा इलाज जरूर करवाउणा उन्हां दे पेरेंट्स नूं प्रिपेयर किया। जिला फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान ने विधायक रणबीर भुल्लर शहरी और विधायक रजनीश दहिया देहात की मौजूदगी में गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब में अखबार बांटने वालों को साइकिल और जैकेट देकर पहली बार सम्मानित किया। इस संबंधी फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान ने बताया कि फिरोजपुर के सारागढ़ी गुरुद्वारा साहिब में रक्षा फाउंडेशन और रेड क्रॉस की मदद से अखबार बांटने वाले 40 लोगों को साइकिल व जैकेट देकर सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह लोग सुबह से ही उठकर सर्दी गर्मी और बारिश के मौसम में लोगों को घर घर तक देश दुनिया की खबरें पहुँचाते हैं। वहीं मौके पर पहुँचे अखबार बांटने वाले लोगों ने भी डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान विधायक रणवीर भुल्लर विधायक रजनीश दहिया DCM ग्रुप के अनिरुद्ध गुप्ता और गौरव भास्कर सहित प्रशासनिक अधिकारियों का धन्यवाद किया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। असी कहना चाहोगे साढ़े मैं 27 साल हो गए मैंने काम करते अखबार का लेकिन अज तक किसी ने भी साढ़े बारे नहीं सोचा। असी डिप्टी कमिश्नर साहब का बाकी सहयोगी सज्जना बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तो अगे तो उम्मीद कर रहे हैं साढ़े नाल इन्हें साल क्योंकि अच्छ सू भी महसूस असी माण महसूस कर रहे कि असी भी एक समाज का निखड़वा गा। धन्यवाद जी बहुत। जो साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन की गई है वो असी दोनों MLA साहबान कुछ जोड़े दानी पुरश ने उन्हें मिलकर असी एक कोशिश की है ये CSR फंडिंग हैगी है तो रक्षा फाउंडेशन सू दिते ने बाकी लोकल जो DPR साहब थ्रू असी इन्हों की आइडेंटिफिकेशन की भी कि बंदे ने जोड़े कि साइकिल पर ने मोटरसाइकिल या स्कूटर थ्रू नहीं बनते पुराने बंदे ने तो उन्होंने फिर असी ये असी कोई इंसानियत के नाते किया असी कोई पोलीटिकल फंक्शन नहीं है ये कोई असी जात धर्म कुछ नहीं सिर्फ जोड़े अखबार बनते भरा ने उन्होंने असी उपरा लगे। प्रसिद्ध समाज सेवक अजय कुमार पीवल की ओर से दीपनगर के रंजीत एवेन्यू जालंधर कैंट में लोगों को आ रही स्ट्रीट लाइट की समस्या का हल किया गया। इस समस्या को लेकर लोग पिछले काफ़ी समय से परेशान थे जिसकी जानकारी उन्होंने समाज सेवक अजय पीवल को दी जिन्होंने मौके पर पहुंचकर मोहल्ले की स्ट्रीट लाइटें ठीक करवाई।
इस मौके पर राजेश शर्मा, रमेश संदल, मदन लाल, राजकुमार चौहान, संजीव वर्मा, प्रमोद कुमार, गिरिराज, लाल सिंह, कुलदीप सिंह सहित अन्य मोहल्ला निवासियों ने अजय पीवल का धन्यवाद किया। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। मैं राजेश कुमार शर्मा, प्रधान रणजीत सिंह प्रेम वालों बोल रहा। साड़िया लाइटा की बहुत प्रॉब्लम सी, कोई लाइट जगती सी, कोई नहीं सी जगती। जी जगती भी सी कोई 3 वाट की सी, कोई 7 वाट की सी। असी अजय भाजी को रिक्वेस्ट की कि साड़िया लाइटा का कोई हल करो। इन्होंने पहल के आधार पर साड़िया लाइटा साढ़े लाइटा लवाइया, 20 लाइटा लवा चुके हैं। इन्हों होर बेनती की है कि 10 लाइटा का अरेजमेंट होर करो। बहुत बहुत धन्यवादी हाँ अजय भाई दे। आप आस करा कि गांह भी इदा ही सहयोग करते रहे। मैं रमेश संदल जी रणजीत एनक्लेव तो बोल रहा। साड़िया लाइटा का मसला बहुत खराब सीगा, कोई बंदा नहीं सुन रहा। सी भाजी ने बहुत वधिया काम किया, साड़िया लाइटा देखिया। तो इन्हों होर अं रिक्वेस्ट करते हैं कि साढ़े सीवरेज की ब्लॉकेज जी है मंदिर के अगे उन्होंने देखते अं बहुत बहुत धनबादी हो। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, मिनी सांवरिया चंद्र, कन्हैया डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मुक्त किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा, रीटा शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। कष्ट निवारण बालाजी सेवा परिवार की ओर से जालंधर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जय किशोरी जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन साईं दास स्कूल ग्राउंड पटेल चौक में 20 फरवरी से 26 फरवरी शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जा रहा है। इसी संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन सर्किट हाउस जालंधर में विधायक रमन अरोड़ा की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने बताया कि इस श्रीमद् भागवत कथा के प्रत्येक दिन भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा का वर्णन किया जाएगा और 26 फरवरी को इस कथा का समापन विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया जाएगा। इस मौके पर महेश मखीजा, राहुल बहरी, दीपक भल्ला, शिवम मदान, हितेश चड्डा भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। श्रीमद भागवत कथा जिहड़ी पंजाब दे विच पहली बारी आ रहे ने, जया किशोरी जी जो अंतरराष्ट्रीय कथावाचक ने, 20 तरीक तो लैके 26 तरीक तक साइंदा स्कूल ग्राउंड पटेल चौंक नजदीक
ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮਖੀਜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਬਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। जालंधर के पूर्व मेयर सुनील ज्योति का गत दिनों निधन हो गया था। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के किशनपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर उन्हें मुखाग्नि उनके बड़े बेटे द्वारा विधिवत ढंग से दी गई। इस अवसर पर विधायक बाबा हेनरी, अविनाश राय खन्ना, पूर्व विधायक केडी भंडारी, पूर्व मेयर राकेश राठौर, सुभाष सूद, सुरेश सहगल, श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, कुलदीप ओबरो, राजीव ढींगरा, बाल कृष्ण बाली, तरसेम कपूर, सुभाष शर्मा, तरसेम लखोत्रा, प्रिंस ग्रोवर, अश्विनी शर्मा धूपवाले सहित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय सुनील ज्योति को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। सुखदेव कुमार सैनी, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना सभा एवं रस्म क्रिया का आयोजन श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में किया गया, जिसमें पंडित सोमनाथ पाठक ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय सुखदेव कुमार सैनी का आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर मेयर जगदीश राजराजा, श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, बलराज ठाकुर, एसपी सिंह, सुरेंद्र धवन, राजन चोपड़ा, राजेश अग्रवाल, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, सुदेश धवन, संजय सहगल, एसपी सिंह ढींगरा, डॉक्टर पवन गुप्ता के अलावा पारिवारिक सदस्यों में जय किशन सैनी, जयपाल सैनी, चंद्र सैनी, रवि सैनी, शशि सैनी, कमल किशोर सैनी, संजय सैनी, ईशान सैनी, सीता देवी, रंजना सैनी, सुकेश सैनी, अलका सैनी, सुधा सैनी, मिली सैनी सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सुखदेव कुमार सैनी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। शिवरात्रि महाउत्सव कमेटी मिलरगंज लुधियाना द्वारा 19वीं विशाल शोभा यात्रा शिव मंदिर मंजू सिनेमा से निकाली जा रही है। इसी संबंध में कमेटी के सदस्य दैनिक सवेरा के मुख्य कार्यालय सवेरा भवन जालंधर में पहुंचे, जहां पर कमेटी सदस्यों ने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज को इस शोभा यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि इस शोभा यात्रा में भगवान शिव की सुंदर झांकियां भी सजाई जाएंगी। ये शोभा यात्रा लुधियाना के अलग अलग चौकों से होती हुई वापस मंदिर प्रांगण में आकर महाआरती के साथ संपन्न होगी। इस मौके पर कमल भल्ला, चेतन मलहन, रमन गोयल भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹਾਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲਰਗੰਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ 19ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਮੰਜੂ ਸਿਨੇਮੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੌਂਕ, ਭਗਵਾਨ ਚੌਂਕ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਰੋਡ, ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ, ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਆਰਤੀਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਤੀ ਮਹਾਆਰਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਫਿਸ, ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ
कम से कम 50 ट्रालियां झाकियां ते विशाल शोभा यात्रा च लोग उत्ते दर्शन करने लई रात आ रहे ने ते सारे पब्लिक जेडे कि इन्होंने गुणगान करके भगवान शंकर जी दे जकारे लांदे होए ये शोभा यात्रा नूं चलाणगे ते मैं ये भगवान शंकर जी अगे ही अरदास करदा इदां ही साडी विशाल शोभा यात्रा इदां ही सुंदर बनी रहे इदां ही वधदी रहे ऐसी इस तरह सारा कार्यक्रम समाज करते रहिए जी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। भवानीगढ़ कालाझार टोल प्लाजा पर बाबा फरीद डिग्री कॉलेज की एम्बुलेंस का हुआ जबरदस्त एक्सीडेंट, एक की मौत एक गंभीर घायल। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने रविदास नगर में हुई फायरिंग के मामले को सुलझाया, दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। जंडियाला गुरु पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी कुछ घंटों में सुलझाई, तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।